हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी हमारे कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी के आज की वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अगर सीबीटी 2 की स्टार्टिंग कर दिए हैं तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एनटीपीसी एग्ज़ाम पर रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी का सबसे बड़ा जो अपडेट है वो आ चुका है सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पर और साथ ही साथ सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट पर भी। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट करें, आप लोग ये वीडियो अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुँचेगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि आगे से अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए आप सभी के आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट पर या सीबीटी 2 के एग्जाम पर तो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँचाई जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेट। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारे साथ हजारों छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनमें से 10,000 से करीबन जो छात्र हैं टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों को जरूर एक काम जरूर करना है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। अब यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र देखिए ज्वाइन नहीं करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी फ्री कंटेंट होता है, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, हम लोग जो फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी के सभी आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट करवाते हैं। आप लोग अगर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो वेटेज है स्टैटिक जीके जीएस का, ठीक है, और जीए का है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का है। तो ये पूरी जो तैयारी आपको हम अपने टेलीग्राम पर करवा रहे हैं, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, स्टैटिक जीके जीएस करंट अफेयर्स की भी, तो आप लोग इसकी जो मदद है ज़रूर लें, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, सरकारी जॉब भी दबे सर्च करिए, अभी तक की 10,500 ज़्यादा छात्र हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है यानी कि सीबीटी 2 होने वाला है, इसका परीक्षा कब होगी, साथ ही साथ सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट पर क्या अपडेट आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए हम आज चार जोनों की बात करने वाले हैं। ये चार ऐसे जोन हैं कि हमेशा रेलवे एनटीपीसी में अगर कट ऑफ कहीं ज़्यादा जाता है तो यही चार जोनों में जाता है, तो इन चार जोनों की बात आज के इस वीडियो में होगी। और जितने भी छात्र हैं वो सीरियस होकर इस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, हमारे साथ हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं जिनके डाटा हमारे पास, सभी छात्रों डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अहमदाबाद जो जोन है सबसे ज़्यादा इस बार जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं कट ऑफ जाएगी तो अहमदाबाद जोन में जाएगी। और अगर आप लोगों का जो टारगेट है वो अहमदाबाद जोन है तो आप लोगों को बता दें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। जनरल वाले जितने भी छात्र हैं वो देख लें, ओबीसी वाले वो भी देख लें, और एससी सभी छात्र जरूर देखें, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कहाँ से, अहमदाबाद जोन से कम 68 प्लस तक आपको स्कोर करना ही करना होगा। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, अहमदाबाद जोन से। अगर आप लोग कहीं ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 64 प्लस तक, एससी कैंडिडेट हैं तो 56 प्लस तक, और एसटी हैं तो 50 प्लस तक। इतना देखिए यहाँ पे जो भी आपके सामने नंबर दिख रहे हैं ये सभी एवरेज मार्क्स हैं। आपको बता दें हमारे पास जितने भी छात्रों के डाटा हैं उनमें से जितने भी छात्र अहमदाबाद जोन से बिलोंग करते हैं उनमें सभी छात्रों का, जनरल का, एससी का, ओबीसी का, एसटी का, सभी छात्रों के जो औसतन अंक है वो इतना ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है अहमदाबाद जोन का, देखिए अहमदाबाद जोन ऐसे जोन है, अहमदाबाद हो गए और कई सारे, अभी हम चार आपको बताने वाले, यही चार जोन ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो टॉपर लोग होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं चार जोनों को टारगेट करते हैं जिसके कारण से यहाँ पे जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको पास करने के लिए, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने के लिए कम से कम 68 प्लस चाहिए, ओबीसी वालों को 64 प्लस, अगर आप एससी हैं तो यहाँ पे 56 प्लस, और एसटी हैं तो 50 प्लस, इतना मार्क्स होना चाहिए। ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं यानी कि आपके बढ़े हुए मार्क्स हैं। इसमें आपके अगर हार्ड शिफ्ट हैं आपके 45 से लेकर 60 तक बनने या 55 तक बनने हैं तो आपको 10 से 15 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिल सकता है जिससे आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो जोन है बहुत ही सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा अगर सेकेंड जोन है जहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, पहले तो अहमदाबाद है और सेकेंड पे आपका भोपाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं पहले पे अहमदाबाद है, सेकेंड पे आपका भोपाल, ठीक है। भोपाल एक ऐसा जोन है जहाँ पर प्रायः जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे सीटों की जो संख्या होती है, ठीक है,
वैकेंसी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनका जो प्रायोरिटी रहता है, ये दूसरा जोन जो भोपाल है इसका ही रहता है। तो यहाँ पे जो प्राय देखा जाता है कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। तो अगर आप लोगों ने भोपाल जोन से फॉर्म भरा है, ठीक है, तो जनरल SC OBC और ST अगर आप लोग कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको कितना स्कोर चाहिए चाहिए CPT फर्स्ट को क्लियर करने के लिए। बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो जोन है वो सबसे पहला जो कट ऑफ वाला हमारा जनरल छात्रों के लिए 66 प्लस, यहाँ पे आप लोगों को जनरल को देखने को मिल सकता है कट ऑफ, ठीक है। 66 प्लस तक जनरल वालों को जो है लाना होगा CBT फर्स्ट को क्लियर करने के लिए। नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम OBC की बात कर लें 62 प्लस, SC की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 57 प्लस तक, और ST की बात कर लें तो 53 प्लस तक, ठीक है। इतना जो कट ऑफ है आप लोगों का कहाँ से भोपाल जोन से जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को CBT फर्स्ट जो है क्लियर करना है तो आपको इतना जो नंबर है, इतना अंक जो है वो चाहिए ही चाहिए होगा भोपाल जोन से, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सेफ जोन आते हैं, हम सबसे पहले हमको आपको बताते हैं सेफ जोन का मतलब ये होता है कि आप लोग उन नंबरों पर, उन अंकों पर, ठीक है, आप लोग अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, ठीक है, कितना नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एक आपको मोटा मोटा एक आपको अंदाज़ा दे दिया है कि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है इन सभी जोनों का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, भले ही आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपका कट ऑफ ऑफिशियल जारी हो तब भी आप लोग देखिएगा, इससे एक दो नंबर आगे या पीछे होगा, क्योंकि जो बिल्कुल कट ऑफ है एग्जैक्ट तैयार किया गया छात्रों के डेटा पर जो आधारित है, ठीक है। तो अगर आप लोग भोपाल जोन से हैं और आपके जनरल में 66 प्लस है तो आप लोग आराम से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, सेफ जोन में आते हैं। अगर आप लोग OBC 62 प्लस तक आपको स्कोर करना है, SC वालों को यहाँ पे 57 तक और ST वालों को 53 प्लस तक, ठीक है, इतना स्कोर आपको चाहिए होगा। अगला जो जोन है वो कैंडिडेटों का सबसे फेवरेट जोन में से एक जोन है, प्रयागराज जोन, जिसको हम लोग इलाहाबाद जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जो है देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता होगा वैकेंसी ज़्यादा हैं और अटेंडेंस भी ज़्यादा उतनी अच्छी रही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे छात्र हैं जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जोन से अप्लाई किए थे, जनरल के OBC के CA ST के छात्र, तो कितना मिनिमम जो है कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर कितना है, कितने स्कोर पर जो है हम लोग अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम जो स्कोर लाना ही होगा इलाहाबाद जोन से वो यहाँ पे 64 प्लस तक लाना ही होगा, ठीक है। अगर आप लोग OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 56 प्लस तक आपको स्कोर करना ही होगा। SC और ST है तो यहाँ पे आपको कम से कम 50 और 47 प्लस तक स्कोर करना ही होगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रयागराज जोन से अप्लाई किए हैं और CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो सेफ स्कोर है जिन अंकों पर आप लोग अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं वो आपके यही है, जनरल वालों के 64 प्लस, SC वालों को 50 प्लस, OBC वालों को 56 प्लस और ST वालों को 47 प्लस। इन अंकों पर आप लोग अपना जो CBT 2 की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो जोन है वो हमारा अजमेर जोन है, देखा जाता है प्रायः अहमदाबाद जोन, इलाहाबाद जोन, ठीक है, भोपाल जोन, अजमेर जोन, इन सब की जो जनरल वालों की कट ऑफ है वो 60 प्लस ही रहती है, वो 60 ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है अच्छा स्कोर करना है, इन सभी अगर जोनों को आप लोग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें तो आपको 60 प्लस तो स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। तो अजमेर जोन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग जनरल OBC SC और ST कट ऑफ बात कर लेते हैं, यहाँ पे 58 प्लस तक, ठीक है, OBC की बात कर लें तो 54 प्लस तक, SC और ST की बात कर लें यहाँ पे 50 प्लस और यहाँ पे 47 प्लस तक, इतना जो कट ऑफ है एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। कहाँ से? अजमेर जोन से सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब आपको बता दें आपका फाइनल आंसर की जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपका 20 सितंबर तक, और रिजल्ट भी यहाँ पे 28 सितंबर 2021 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है सितंबर CBT फर्स्ट का।